बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। चंद कीमती बातें। बाप, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। नानी का घर, नानी का घर दुनिया का वाहिद घर है जहाँ अपने घर से ज़्यादा मज़ा आता है। हम सफ़र, ज़िंदगी मेहरबान और ख़ूबसूरत लगती है जब हम सफ़र खैरख्वाह और एहसास करने वाला हो। शोहर, मोहब्बत और एहसास करने वाला शोहर अल्लाह पाक की ख़ास रहमत है। मियाँ बीवी, एक बीवी के लिए उसका शोहर कुल कायनात है। कब्र की सख्ती, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कब्र से ज़्यादा कोई और भयानक मंज़र नहीं देखा। या अल्लाह कब्र की सख्ती से हमारी हिफाजत फरमा, आमीन। सफ़ेद लिबास, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद कपड़े पहनो, ये ज़्यादा पाकीज़ा और उम्दा लिबास है। ताकतवर औरत, कमज़ोर से कमज़ोर औरत भी ताकतवर हो जाती है जब उसे इज़्ज़त देने वाला मर्द का साथ मिल जाए। बापर्दा औरत, बापर्दा औरत गैरतमंद भाई, गैरतमंद बाप और गैरतमंद शोहर का फ़ख्र होती हैं। निकाह, कुरान पाक में फरमाया गया है, जो औरत तुम्हें पसंद है उससे निकाह कर लो। पाकीज़ा बीवी, खूबसूरत और पाकीज़ा बीवी मर्द से ख़ुद को एक दर्जा कम समझ ले तो अल्लाह ताला उसे माँ की सूरत में तीन दर्जे बुलंदी अता फरमाता है। मर्द का किरदार, खुशकिस्मत होते हैं वो मर्द जिनके किरदार की खुशबू पाकर खुद औरत इजहार मोहब्बत करे। खाला जान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाला माँ की जगह होती है। औरत की बर्बादी, औरत की बर्बादी का वक्त तब शुरू होता है जब उसे मुख्तलिफ मर्दों से अपनी तारीफ़ सुनने की आदत पड़ जाए।